जी जी सर, लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, देश देश लड़ रहा है, इसराइल लड़ रहे हैं, लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहे हैं, क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हालांकि इंसान हर एक देश को ईश्वर ने बनाया एक ही तरह, सबके पांच पांच इंद्रियां हैं, 32 दांत है, दो पैर एक ही है, फिर भी लोग लड़ रहे हैं, तो उसको यूनाइट करने के लिए नंबर एक स्टेप आप दीजिए, पहला स्टेप शुरू करते हैं यूनिटी अमाउंट डाइवर्सिटी, फर्स्ट यूनिटी अमाउंट डाइवर्सिटी, ये सेकेंड स्टेप लेके यूनिटी अमाउंट डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, या फिर ये संदेश एक कबूतर की तरह, यस अब तुम हमें जा कभी भी आए, प्लीज पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हम लोग लेकर जाना, भारत से ज्यादा पीस के बारे में कौन जान सकेगा? बिल्कुल धन्यवाद, भारत ने जो पूरा पीस का संदेश जो है पूरे पूरे संसार में लेके गया है, ओके, पूरे वर्ल्ड में पीस को लेके गया, हमारे साथ एक वैज्ञानिक भी है, ओह रशिया से एक साइंटिस्ट है, अभी हम लोग का मैं श्रीलंका, मैं यूएस से श्रीलंका आया, श्रीलंका से मैं इधर आया, श्रीलंका में हमारा 75 कंट्रीज के साइंटिस्ट का जो हर साल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन होता है, ये रशिया से टाटियाना, प्रोफेसर टाटियाना ये वहाँ से आई है, हमारे साथ जो हमारे यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोलाबोरेशन है, और आप लोग को जानकर ये खुशी होगा डोनाल्ड ट्रंप और जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका तरफ से मुझे एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला, पार्टी बनती हुई श्रीलंका में जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ उसके लिए, जहाँ 20,000 जो लोग पूरे वर्ल्ड से आए हैं उन्होंने आपको एक दिया है, तो आप अगर आप चाहें तो दिखाई डोनाल्ड ट्रंप का, जी नमस्कार, दिस इज योर ओन फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर धीरज कुमार विद अ ब्यूटीफुल लेडी डॉक्टर दलजीत कौर, और ये मेरे लिए बड़े ही सम्मान का विषय है और सौभाग्य है कि आज प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया के इवेंट में मैं आया हूँ, और विच इज़ बेसिकली सस्टेनेबल इंडिया, यानी कि हमारे भारत को और मजबूती देने के लिए इस तरह के अवार्ड किए जाते हैं। प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया का मतलब बड़ा सिंपल होता है कि पूरे हिंदुस्तान के जो नगीने होते हैं, जो डायमंड्स होते हैं, जो हीरे होते हैं, उनको कोई तराशता है, और उसे तराश रही है हमारी डॉक्टर दलजीत। आप सबकी दुआ सर। यस, तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस अवार्ड फंक्शन में एक एज ए स्पेशल गेस्ट और एज ए चीफ गेस्ट, यू मे कॉल इट एनीथिंग, मैं आज आया हूँ, और जिन अवार्डीज को अवार्ड मिल रहा है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आई थिंक फॉर माई ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आई हैव बीन अवार्डेड, बट किस कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है ये ना तो मुझे पता है, ये तो कोई सीक्रेट होता है इनका, ये एक सीक्रेट है जो आज आप सबके सामने हम कुछ ही देर में अनाउंस करेंगे, तब आप सब अंदर आके इनको कैप्चर करेंगे। जी, तो जो भी अवार्ड मिलेगा वो जहन नसीब, क्योंकि अवार्ड जो होता है वो आपके मेहनत और आपके काम का नतीजा होता है, एंड आई फील कि आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स, इतने साल इस इंडस्ट्री में अच्छी तरह से गुजार रहे हैं, गुजारते रहेंगे, और हम समय के साथ चेंज करते चले जाते हैं, तो जो समय के साथ चेंज करते हैं उसमें जो अवार्ड्स मिलते हैं वो वाकई आपकी मेहनत का नतीजा होते हैं। टू द न्यू कमर्स एंड टू द पीपल हु हैव कम जस्ट नाउ टू दिस इंडस्ट्री इन द लास्ट 1 or 2 ईयर्स, मैं आज उनको यही कहना चाहूंगा, मैं उनके लिए आज भी कॉम्पिटिशन हूँ, बिकॉज मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ आपके लिए हर दिन एक नया दिन होता है, और एक नई किरण सुबह की जब आती है सूर्य के साथ, वो आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आती है, तो फील यंग, फील एनर्जेटिक, एंड इफ यू आर एनर्जेटिक, इफ यू आर यंग, लेट मी टेल यू, इवन आफ्टर 20 years, 30 years और 40 years इन दिस इंडस्ट्री, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, आपको ऐसा लगेगा आज मेरा पहला दिन है, लेट्स गो विद दैट रिगर, लेट्स गो विद दैट फेथ इन योर सेल्फ एंड इन द वर्क एक्चुअली। सो प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया की हमारी डॉक्टर दलजीत कौर को, उनके सभी टीम मेंबर्स को, उनके सभी सहयोगियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय। सर, एक आपका इवेंट होने वाला है 16 जैन को, जी 365
डॉक्टर जी जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप मैसेज करते जी। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के एक मुझे ये जो पेडेस्टल मिला है, डॉक्टर दलजीत इज ऑल्सो ए वेरी ऑनरेबल गेस्ट इन दैट इवेंट ऑफ माइन डॉक्टर 365। हर साल हम अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए एक इवेंट करते हैं जिसे कहते हैं बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर। नाउ इट इज बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर 2025, जो संडे 19 जनवरी को चित्रकूट ग्राउंड अंधेरी वेस्ट यशराज स्टूडियो के पास में है, जहां पर हम सभी के लिए बहुत कुछ देते हैं। मैं खाली ब्रीफली इतना ही कह सकता हूं फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि 5 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए की फ्री एक्सीडेंटल पॉलिसी है, फ्री व्हीलचेयर्स हैं आपके लिए, मेडिसिन्स हैं आपके लिए, 30 से 40 हज़ार चश्मे बांटे जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर दलजीत, मैं कहना चाहूँगा कि उनको हम, मान लीजिए किसी को कोई रोग से पीड़ित है, कोई कैंसर है, कुछ ऐसी भी बात है, तो उसके लिए भी हम उनके मुफ्त इलाज का इंतजाम करवाते हैं। तो डॉक्टर 365 के डॉक्टर धर्मेंद्र और मैं, और इसमें हमारे साथ इस साल सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन भी जुड़ चुकी है, पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोलापुरे और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हमारी डॉक्टर दलजीत भी जुड़ी हुई है। आईवा एनजीओ ने तो यही मकसद से आईवा शुरू किया था, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, लेकिन सर से थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन तब तक अब लग रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर है और ये अब बहुत बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, इट इज नेवर टू लेट। आप धीरज के साथ हैं, आप धीरज से मिली हैं तो धीरज से ही अच्छा काम होगा। सो सी ऑल ऑफ यू देयर थ्रू योर वीडियो मैसेजेस, आई कैन से कि आप सब लोग आमंत्रित हैं, हमारी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं आप आइए, एंड वी आर देयर टू सर्व यू, टू लुक आफ्टर यू, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बचपन की है ना, हाँ इसको इंडस्ट्री में लाने वाला कौन, हाँ जबरदस्ती जबरदस्ती तूने आना है इस इंडस्ट्री में, हाँ। और आज देखिए हमसे भी आगे निकल रही है। मेरे मन में, हाँ छोटी थी मैं, मेरे मन में था ऐसा कि मुझे ये काम करना, और मैं इनके पास जाया करती थी कि मुझे ये करना है, बट शी हेल्प मी टेक दैट फर्स्ट स्टेप and I'm very happy. I'm so proud to see you. Thank you. You continue, I'll just take sir inside, huh? Okay. Very excited. और मुझे खुशी भी है कि मतलब I think it's not just celebration for me, it's for every other woman जिन्होंने कुछ करना था, कुछ करना चाहती थी। और मैं ये भी कहूँगी कि women should help lift each other up and support each other. Thank you. Today we have been honored as Doctor Day. Tell us about the experience. Your name first. Thankful to the American University and American University of Peace for honoring me with the doctorate of mediation and conflict resolution, recognizing my work as a mediator. I am a trained mediator with the Delhi High Court, and I have till date recorded over 50 settlements in various legal cases, wherein I have facilitated the parties to settle their matter and achieve peace amongst themselves. This is really an honor which will encourage me to continue giving my services pro bono to the society for the peace and the resolution of the conflicts between the parties as a mediator. Thank you. Thank you, sir. Thank you. आज आपको डॉक्टरेट दिया गया है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप, और क्या कुछ कहना चाहेंगे विथ योर नेम फर्स्ट? थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अमित चावड़ा, मुझे आज स्पेशल किया गया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी एयू जुपी। स्पेशल थैंक्स टू अमेरिकन यूनिवर्सिटी डॉक्टर दलजीत फॉर दिस डिग्री। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दलजीत कौर को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसने जो हमको इनवाइट किया, हमारे प्रोफाइल उन्होंने देखा, नेट पे देखा, मीडिया में देखा, न्यूज़पेपर्स देखा, न्यूज़ और न्यूज़
जो टीवी की न्यूज़ होती है वहाँ देखा, और जो पब्लिक डोमेन में हमारा काम होता है हॉस्पिटल में, वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली, तो उन्होंने कहा कि आपको इस अवार्ड के लिए हम चुनते हैं, तो मेरा तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेडिकल इंपोर्ट के बारे में इंडिया में बहुत बड़ा काम किया, शायद उसके बारे में उसकी क्षेत्र के बारे में मुझे अवार्ड दिया गया। 1985 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था कस्टम क्लीयरिंग की इंडस्ट्री के, कस्टम क्लीयरिंग एंड लॉजिस्टिक, मैंने दिल्ली में SCHA ज्वाइन किया था। तो उस समय हॉस्पिटल्स का काम बहुत धीमे चलता था, हॉस्पिटल्स के जो इलाज होते थे बड़े महंगे होते थे, और 85 के दौरान हॉस्पिटल में इतने महंगे इक्विपमेंट भी नहीं थे जो बाकी विदेशों में थे, ताकि उनसे अच्छा इलाज हो सके। तो मैंने इसके बारे में गहराई से अध्ययन किया, ये पाया कि हमारे देश में जो भी इंपोर्ट सामान होकर आता है उसकी कस्टम ड्यूटी बहुत लगती है, 175% से लेकर 300% तक लगती है। तो मुझे इसकी चिंता हुई, इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने कस्टम अधिकारियों से मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलकर इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि कस्टम ड्यूटी घटाया जाए। तो इस कारण मुझे करीब करीब 5 साल लगे, वो जो ड्यूटी 150% को 350% थी उसको मैं 0% पे ले आया। जैसे कस्टम ड्यूटी इंडिया में 0% पे मेडिकल इक्विपमेंट हुई, तो एकदम से इंपोर्ट का फ्लडिंग स्टार्ट हो गया, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स के, नर्सिंग होम के आने शुरू हो गए। तो उसके बाद में इंडिया में मेडिकल रेवोल्यूशन 90 दौरान शुरू हो गया। उससे पहले लोग इलाज के लिए अधिकतर बाहर जाते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, या डॉक्टर लोग भी 90 से पहले बाहर जाके अपना जॉब करना पसंद करते थे। लेकिन 90 के बाद ये पूरा सीन चेंज हो गया। अब मेडिकल इंडस्ट्री में जो तरक्की करी है इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री ने इंडिया में, उसका नाम दुनिया में दूर दूर तक फैला है, उसके कारण बहुत सारे लोग बाहर से इलाज करने यहाँ आते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज की बर्निंग मेडिकल टूरिज्म से अरबों रुपये की हुई है और अभी बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि बाहर से लोग जो इलाज करने आते हैं उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है, और जो इलाज आज दुनिया में सबसे अत्याधुनिक होता है, सबसे लेटेस्ट इलाज होता है, जो इक्विपमेंट होता है, वो आजकल हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और रोज होके इम्पोर्ट होके आते हैं। तो हम अपने इस मेडिकल के क्षेत्र में और मेडिकल के जो लोगों की किसी तरह की उनकी तकलीफों को दूर करने के क्षेत्र में हम किसी से दुनिया में कम नहीं है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एफर्ट से इसमें जो हम लोगों ने सफलता पाई और हम इस मुकाम तक पहुंच सके। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर धीरज कुमार, और आज डॉक्टरेट धीरज कुमार से पहले डॉक्टर धीरज कुमार का जो आज ये तगमा, ये ऑनर मुझे मिला है, मैं उसके लिए तहे दिल से इंडियन जेम्स का और अमेरिकन सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार। इट्स ए ट्रू ऑनर बिकॉज दिस इज ए काइंड ऑफ अ वेरी डिफरेंट अवार्ड एंड वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव दिस फीलिंग ऑल्सो, ए डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग, बिकॉज वी डू गेट मैनी अवार्ड्स, बट टेकिंग एन ओथ and then confirming ourselves that we will do human service, hum samaj ke liye kaam karenge, samaj ke logon ke liye kaam karenge, ek constitutionally us har baat ko manenge jo ek constitution is award ko dene ke liye banaya gaya hai aur jiski humne abhi shapath grahan kari hai। To ye ek mere liye naya anubhav hai, main Dr. Diljit Kaur ka, Indian Gems ka aur American Society ka, और वहाँ से हिज एक्सेलेंसीज जो एम्बेसडर आए हुए हैं उनका और उनके जो कर्ता धरते हैं, तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई फील ट्रूली ऑनर्ड कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में पहली बार आई है, और मैं चाहता हूँ कि जो ये सम्मान मुझे बख्शा गया है उसके प्रति मैं पूर्ण निष्ठा और मन से मैं सेवा भाव रखते हुए जो भी काम कर सकता हूँ मैं करूँगा, और मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
Peace and World Human Rights Ambassador. Even I am also business entrepreneur. I am very much happy to receive this precious gems of award. I am thankful to the AIWD. Thank you. Thank you, ma'am. वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एक बड़े अवार्ड शो में आप सम्मिलित हुए, आपको सम्मान दिया गया। कितनी खुशी होती है जब इस तरह के अवार्ड में आपको बुलाया जाता है और सम्मान दिया जाता है। बहुत ही अच्छा ये सम्मान रहा। उपस्थित सभी जितने भी हमारे मेहमान थे, उन्होंने जो हमें सम्मान दिया और हमें जो हमारा गौरव हुआ, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सम्मान जो मिलता है ना, तो एक सैनिक का सम्मान ऐसा होता है कि जो अपने देश के प्रति उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया था और उस देश के प्रति कर्तव्य का जो ये सम्मान पूरा देश भारतवासी पूरे देते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। ठीक है, मेरा नाम भरत लिम्बाचिया है, मैं बीजेपी को रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक IWA आईवा एंड ब्राइट स्टूडियो ब्राइट आउटडोर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल ट्रॉफी एंड फेलिसिटेटिंग मी। और जैसे कि बीजेपी सरकार आई है, तो हम चाहते हैं कि आप एक स्थिर सरकार देगी भारत को और सब लोग साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। धन्यवाद। आईवा अवार्ड बहुत प्यारा अवार्ड है। दलजीत जी हमारी ये बहुत ही पुरानी परिचित हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो हमको लगा कि आना चाहिए। हर बार हम आते हैं और बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से इनका अवार्ड होता है, उसमें फालतू भीड़ नहीं रहती है, क्लास के लोगों को अवार्ड देती है। हमारी शुभकामना इनको है, इस तरह से अवार्ड होना चाहिए। डॉक्टरेट भी दिया गया है, डॉक्टरेट भी दिए गए चार लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम हो रहे हैं। धीरज कुमार को भी डॉक्टरेट दिया गया, बहुत जरूरी है, आखिरी दम तक आदमी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो सबको हमारी शुभकामना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैमरा ऑन नहीं है ना? पता है क्या, ऐसे हमें रियलाइज नहीं होता है कि हमने कुछ किया जिंदगी में, क्योंकि हमने तो सिर्फ अपना कर्म किया। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके साथ होती हैं, जहाँ आपको छोटे से भी अवार्ड से नवाजा जाता है, तो आपको लगता है हाँ कुछ किया है। और जब सबका प्यार मिलता है ना, 25 साल तक रेलेवेंट रहना इस इंडस्ट्री में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए मैं खुद की पीठ थपथपाती हूँ और आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि एक ब्रेक, किस्मत ने एक ऐसा ब्रेक दिलवा दिया। मैं धीरे धीरे उस हादसे के बाद, अपने हस्बैंड के बाद, धीरे धीरे वापस आ रही हूँ। डेली सोप वगैरह तो अभी नहीं, छोटी छोटी चीज़ें अभी, जैसे मैजिक ऑफ श्री अभी रिलीज़ हुआ, काकुड़ा फिल्म रिलीज़ हुई, एड्स करती रहती हूँ। ऐसे बस थोड़ा 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 अपने आप को ये यकीन दिलवाने के लिए कि मैं अभी भी एक्टिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जैसे जैसे किसी के पैरों के तले से कोई जमीन खींच लेता है, तो उसको कैसे लगता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं खड़ी हूँ बैठी हूँ। तो इसीलिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ब्रेक लेने के बाद भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि बस मेरे तो सिर्फ हाथ ही जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं आज ये जो इवेंट में आईवा ने जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं SP आहूजा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट का मुंबई का अध्यक्ष हूँ, पंजाब एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ,
मुझे यहाँ पे आके मिथिला के साथ यहाँ के इतनी खुशी महसूस हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि दलजीत कौर जी ने ये जो आयवा के जो मैनेज करती हैं, संभालती हैं, प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें हर प्रकार के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे गुलाब का फूल, रजनीगंधा, गेंदा और जो फूल आते हैं वो है, तो ये सजा हुआ गुलदस्ता है। तो इस गुलदस्ते में से जो जेम्स को निकाल के लाते हैं ये हमारी दलजीत कौर जी, वो हम बहुत उसका हम अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ी मेहनत करती हैं दलजीत जी, और ये फंक्शन जो किया है, इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं और हर फील्ड के जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जो उनकी जो उन्होंने एक छवि बना दी है अपनी, हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो यहाँ लेके आते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। मैं दलजीत जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये उनकी जो टीम है उनको बहुत बधाई देता हूँ, और यहाँ पे आके मुझे और मिथिला को बहुत अच्छा लगा और हम इसमें शरीक हुए और उन्होंने मुझे भी ऑनर किया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, और मैंने ये स्टेज पर बोला है कि भगवान वाहेगुरु अल्लाह ताला कृष्ण महाराज गणेश जी उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, अच्छी सेहत और लंबी उम्र दें कि वो देश की, हिंदुस्तान की, मुंबई की, महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की सेवा कर सके, ये उनको मैं बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बिट्टा जी का भाई हूँ, आपको शायद पता होगा कि उनके ऊपर 14 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और आज भी वो बिल्कुल, आप समझेंगे, आप उनको देखेंगे तो आपसे हमसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा जवान हैं और उनके अंदर देशभक्ति जो भरी है आज भी कूट कूट के भरी है। मुझे बोलते हैं कि मैं अगर दुनिया से जाऊँ तो देश के लिए जाऊँ, और मेरे मुँह पर लास्ट वर्ड्स वंदे मातरम हो और मैं वंदे मातरम कहता हूँ इस दुनिया से जाऊँ। आज भी उनका जो ये जो मेहनत कर रहे हैं देश को एक करने की और तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचाइयों पर रखने की, वो आज भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरे दिल से बड़े जोश के साथ हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, तो मेरे भाई हैं, उनको भी मैं सलाम सत श्री अकाल करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ऐसे वो करते रहेंगे और जो उनके अंदर खास करके देश के लिए जो प्रति जो है वो कोई पॉलिटिकल चक्कर में जाते नहीं है, वो जो देश है सब कुछ है, देश है तो हमारा धर्म है, तो ये मैं उनके लिए बात करता हूँ और उनको मैं हमेशा और उनके प्रिंसिपल्स में मैं चलता हूँ, क्योंकि आज के जो हमारे शहीद परिवार हैं BSF के, आर्मी के, मिलिट्री के, पुलिस के, उनकी हम सहायता करते हैं, उनको उनकी सेवा करते हैं परिवारों की, और उनको अवार्ड्स देना, उनको गवर्नमेंट से फैसिलिटी देना नहीं, ये हमारा काम है। बच्चों के स्कूल में जाके उनको हम टेररिज्म के अगेंस्ट सब सिखाते हैं, समझाते हैं और सेमिनार्स करते हैं, ये हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा। जो दलजीत, डॉक्टर दलजीत जी है, ये हमारे साथ ऑलमोस्ट 10 सालों से हम काम कर रहे हैं। हमें प्री कोविड, कोविड और कोविड के बाद भी वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया है। हम सब ने मिलकर करीबन 10,000 औरतों को सपोर्ट किया है और आज जो ये एक एक आइकॉनिक लेडीज़ को ढूंढ के जो अवार्ड्स दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और स्पेशली वुमेन को, दूसरी वुमेन को ऊपर लाने के लिए ऐसे अवार्ड्स का आयोजन करते रहना चाहिए। और जो मैंने देखा, इन्होंने बहुत डीप स्टडी करके हर एक को ढूंढ ढूंढ के ये आइकॉनिक वुमेन का अवार्ड दिया है। ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमें सपोर्ट तो ऐसे करना ही चाहिए, इसलिए खास उनके इन्विटेशन पर आई हुई हूँ मैं इधर। और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू एंड टेक केयर, गुड इवनिंग। नहीं, आज हमेशा ये बहुत अच्छा लगता है, दलजीत जी का जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे, आज यूनाइटेड नेशन से अपने मधुकर जी आए थे और उन्होंने कई डॉक्टरेट दिए और अवार्ड्स भी दिए,
और मुझे कुछ स्पेशल सम्मानित किया गया विद अ मेडल एंड द ट्रॉफी एंड द डॉक्टरेट नरेंद्र मोदी विचार मंच में. रिसेंटली आई वॉज इंडक्टेड एज ए नेशनल प्रेसिडेंट एंड फॉर ट्रेड एंड ट्रेड प्रमोशन. तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एक दोस्त भी आता है जो अपनी पदवियां मिलती हैं साथ में उसके एक दोस्त आता है जो है परफॉर्म करना और रिस्पॉन्सिबल रहना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी मेहनत से करके दिखाना. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से निभाऊं. अवार्ड में आके काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आए अवार्ड में एंड काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिला है. जैसे आर्मी ऑफिसर्स थे, पुलिस वाले थे, तो काफ़ी हम लोग को इंस्पिरेशन मिला उनकी स्पीच से. तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके. और मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है मलयालम मूवी, मैं उसमें लीड हूँ. मैंने ऐड किए सलमान सर के साथ और मैंने आई गेस 7-8 एड्स और किए और भी काफ़ी आने वाले मेरे मूवीज. थैंक यू सो मच. मैं सोशल वर्क बहुत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना. वो सबको करना चाहिए. मैं तो बोलते हर एक इंसान को करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए सबकी, सोशल वर्क करना चाहिए. मेडिकल का हॉस्पिटल जैसे अनाथ आश्रम में सब लोग होते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं करता. तो हम करते हैं लेकिन बोलते नहीं किसी को, और सबको करना चाहिए. और मुझे बस ये सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. भगवान ने मुझे हर हर महादेव ने उसी के लिए रखा हुआ है. यस, मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ. थैंक यू. जी एक हार्टिएस्ट एंड डीपेस्ट थैंक्स टू डॉक्टर दलजीत. शी इज़ अ डार्लिंग एंड शी हैज़ हेल्प सो मेनी पीपल. सो आई एम जस्ट गिविंग हर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग दैट शी गोज अहेड विथ हर वर्क. नारी शक्ति सम्मान एक प्रशंसनीय सम्मान है. ये मिलता मेरे हिसाब से इसलिए कि हमने जो मेहनत की हुई है उस मेहनत को सराहने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आईवा की, मैडम दलजीत कौर की और सभी उनकी जो पीछे बिहाइंड द सीन्स एक टीम है जरूर जो काम करती है, तो उन सब की शुक्रगुजार हूँ. अपने फैमिली, भगवान जी और सभी जो मेरे साथ हमेशा जुड़ते रहे हैं, आते जाते रहे हैं, सबके शुक्रगुजार हूँ जो मुझे उस मुकाम तक पहुँचाने में सबका हाथ है. सबको बहुत बहुत धन्यवाद और खूब खूब आभार. आपको ये अवार्ड किस लिए मिला है, क्या आपने अचीवमेंट किया है? मुझे ये अवार्ड बहुत सारे कारणों से मिला है. मैं स्टेट बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे हूँ. मैंने मेरे एकेडमिक करियर में भी मेरा TYBA टॉपर है, MA टॉपर है, डॉक्टरेट डिग्री है मेरे पास. मैंने सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम किया है. बहुत सारे लोगों को मैं जॉब्स दिलवाती हूँ. जिन जो देख नहीं सकते उनको अलग अलग चीज़ें सिखाना, उनके लिए जो काम कर सकती हूँ, जैसे जो जिस फील्ड में पारंगत नहीं है उसमें, जैसे कोई ब्रेल में होगा, मोबिलिटी में होगा, कुकिंग में होगा, और किसी की कोई ऐसी बात है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, चाहे नौकरियाँ ढूंढ के देना, किसी का और कोई है प्रॉब्लम्स जिसका सोल्यूशन मिलना, जो मेरे तरफ से पॉसिबल है. अफकोर्स सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जितना हो पाता है उतना मैं समाज को वापस देने की कोशिश करती हूँ. इस वजह से थैंक यू. जी पूछिए. नहीं, मैं बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आईवा के साथ मुझे लगता है कि जुड़े हुए आज 9 साल हो गए हैं और हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा अवार्ड जीतता हूँ मैं, बहुत खुशी होती है. थैंक यू आईवा. और ये बहुत ही स्पेशल अवार्ड है मुझे, मेरे लिए, और मैं चाहूँगा कि और
अच्छे गाने बनाऊं, अच्छा काम करूं और अच्छे अच्छे अवार्ड्स मैं जीतता रहूं। दिलजीत जी के साथ हाँ, मैं वही आईवा और दिलजीत जी के साथ आज 9 साल हो गए हैं और उनकी मेहनत, उनका जो सोशल वर्क है उसको सैल्यूट है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो, इसलिए हम लोग सब उनके साथ जुड़े हैं और हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं उनके अच्छे कामों को। तो मैं दुआ करूंगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनको अच्छी सेहत दे ताकि वो अच्छा काम करते रहें और लोगों की मदद करते रहें। हाँ, आई फील रियली ऑनर्ड एंड स्पेशल एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच टू दलजीत, और उन्होंने मुझे एक्चुअली इनिशियल पुश दिया और अब मैं कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ एंड बस आई एम हैप्पी एंड आई वुड से लेट अस हेल्प ईच अदर ग्रो, लिफ्ट ईच अदर अप एंड ड्रीम बिग। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा एक अभी अपकमिंग सीरीज है, मेरी फिल्म अभी रिलीज हुई थी Z5 पे, हाउस ऑफ लाइज, और अभी जो अपकमिंग है वो है एक सीरीज आने वाला है कॉल्ड मिक्सचर, होपफुली बहुत जल्दी। थैंक यू। बहुत अच्छा हो गया, बहुत सक्सेसफुल हो गया। अभी भी अनुज जी का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो आज एक म्यूजिकल प्रोग्राम है उसमें अनुज जी फंस गए हैं, बट कह रहे मैं अभी आता। मैं कह सर अब तो फिनिश हो गया, जोगेश भाई भी अभी आने वाले हैं, बट ये प्यार है जो लोग मुझे करते हैं और मेरे कहने पर आते हैं तो ही इवेंट सक्सेसफुल होता है। हम तो सिर्फ प्लान करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जब गेस्ट आते हैं, जब सीनियर मोस्ट इंडस्ट्री के लोग आके आपको सपोर्ट करते हैं, तब जाकर आपका इवेंट सक्सेसफुल होता है। एंड आई एम लकी एंड ब्लेस्ड कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और आज सारी मीडिया भी आज इतनी देर तक रुकी है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। देखिए, डॉक्टरेट के लिए मैं खुद ही उनके प्रोफाइल सिलेक्ट करके आगे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पेमेंट करे तो आपको डॉक्टरेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी आज डॉक्टरेट यहाँ आए हैं, कुछ लॉयर्स हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने सब में एक काम किया है, यू नो दे डिजर्व इट, तो इस वजह से उनको आज डॉक्टरेट मिला है। और डॉक्टरेट मिलना भी चाहिए, बिकॉज ये एक तरह का एक पदवी है, यू नो आप जैसे एमए करते हो, बीए करते हो, एमए करते हो, फिर पीएचडी करते हो, ये आपके काम में जो है डॉक्टरेट, ये आपका एक अवार्ड है एक तरह का। प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, यहाँ आर्मी से लेके पुलिस से लेके डॉक्टर, लॉयर्स, वुमेन एम्पावरमेंट, सबको अवार्ड दिया गया है। और हर वो लेडी जो छुप के काम करती है, जो दिखती नहीं है, उनको हम चुन के अवार्ड करते हैं, ताकि उनका एक मनोबल, एक इनकरेजमेंट हो, और फिर वो हमारी टीम के साथ मिलकर आगे भी ऐसे ही वुमेन को सपोर्ट करती हैं। मैं बिल्कुल, यह देखिए कि एक्टर्स आते हैं, अवार्ड लेके चले जाते हैं, और मेरे साथ एंड तक 3 से 4 घंटे रहे हैं, यही मेरी ब्लेसिंग है, यही शायद मेरा गुड वर्क है जो वो पसंद करते हैं और वो इतनी देर तक मेरे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।